डेक सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं सरदार फहीम, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सीईओ हैं स्क्री सिक्योरिटीज के। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग पाकिस्तान दिस वीक। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा फहीम साहब, अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जी 50 बिप्स राइज किया है जी पॉलिसी रेट्स के अंदर, तो हाउ डू यू सी टू इट जी? हम लोगों ने देखा ये दूसरी दफा है, पिछले 20 महीनों में रेज नहीं हुआ था, पिछले फ्रॉम जनवरी 2018 में बढ़ा 25 बिप्स और अब 50 बिप्स, तो हाउ डू यू सी दिस दिस चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी जी, मॉनिटरी पॉलिसी? सॉरी मैं उसको थोड़ी मेरी जो अपनी असेसमेंट है उसमें थोड़ी मैं हैरत से उसको देख रहा हूँ, क्योंकि जनवरी से आज तक जैसे आपने कहा तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट बढ़ चुकी है। जी जी, देखिए बढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपने या तो इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो करना होता है, सॉफ्ट लैंडिंग पे लाना होता है, या आपको डर है कि इन्फ्लेशन का कोई बहुत खर्चा है। Okay. अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें आई है हमारे सामने वो ये है कि इन्फ्लेशन और एग्रीगेट डिमांड का मसला एक आ रहा है। देखिए अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ना तो उससे होता ही है कि आपकी असूलन आपकी जो करेंसी है ना वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए, लेकिन ये तब होता है जब आप अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकोनॉमी की जो होती है ना 80-90% से चल रहे होते हैं। Okay. अभी तो इकोनॉमी ने थोड़ा सा चलना शुरू किया है तो डिमांड साइड को हैंडल करने के लिए सप्लाई साइड के जो मसले उनको हम देख ही नहीं रहे। देखिए जो वो करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मेरे ख्याल है वो ये है कि एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है डिवैल्यूएशन करके, और इसको जो बढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा जो आपकी जो कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक मुतजाद बात आती है, फिर मैं आप गरीब से कुछ कहना चाहेंगे कि देखिए अगर डिवैल्यूएशन अभी की थी वो तो आपकी एक लोकल सिस्टम को मजीद प्रेशर में डाल देता है। बिल्कुल, ठीक है जी, वो डिवैल्यूएशन क्यों की? ये देखिए ना डिवैल्यूएशन भी कितनी हैवी डिवैल्यूएशन हुई थी और इंटरेस्ट रेट की भी एक मैसिव राइज आया है। बिल्कुल, तो ये फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि मकसद ये होता है कि आप इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में लाएं, पैसे को थोड़ा महंगा करें और आप स्लो डाउन करें अपनी कंजम्पशन को। लेकिन इसमें दो चार बातें जो मुतजाद चल रही है, मतलब कि अच्छा फहीम साहब एक और चीज इसके अंदर मैं आई जस्ट वांट टू रीड बिकॉज स्टेट बैंक की वेबसाइट से वी हैव टेकन इट सर, अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी द डिसीजन टू हाइक पॉलिसी रेट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशन, उन्होंने कहा सिचुएशन जो थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इसको उन्होंने फोकस किया है, ब्लूमिंग फिस्कल डेफिसिट एंड कंसिस्टेंट प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। तो ये दिस इज समथिंग विच इज जो एक मेरे ख्याल में इट्स एन ओपन थिंग टू डिस्कस कि ये एक चीज है जिसकी वजह से पहले 25 बिप्स बढ़ाया गया और अब 50 बिप्स बढ़ाया गया। टू कट इट शॉर्ट, व्हाट डू यू थिंक के गोइंग फॉरवर्ड व्हाट मोर व्हाट नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑन दिस साइड ऑफ द स्टोरी जी? देखिए फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट की जब बात करते हैं या फिर ट्विन डेफिसिट बन जाते हैं ना, अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मसले को आइडेंटिफाई करने गोइंग फॉरवर्ड उन मसलों को रिजॉल्व करना है। आपकी इकोनॉमी ग्रोथ फेज में आई हुई है, इसमें आपके सप्लाई साइड मामलात को और इंफ्रास्ट्रक्चरल हेमरेजिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको देखना बहुत जरूरी है गोइंग फॉरवर्ड। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हमें बहुत मसला आ रहा है अपनी एक्सपोर्ट वीकनिंग में, ग्रोथ आ रही है लेकिन वो काफी स्लो है, हमें मसला आ रहा है कि आपके जो रेवेन्यू रिसीट्स जो है गवर्नमेंट के वो 30% जो है यानी कि इस दफा 1.6 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ डेट फाइनेंसिंग पे जा रहा है। देखिए दीज आर सीरियस इश्यूज, पाकिस्तान स्टैंडिंग राइट नाउ मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि 60 बिलियन के एक्सपोर्ट्स बड़े लॉजिकल पॉसिबल मुमकिन सूरत हाल है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन चीजों पर फोकस करना है ताकि जो आपका फिस्कल सिस्टम है उस पर प्रेशर ना आए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सरदार फहीम थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान दिस वीक को ज्वाइन करने का। शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर निजाम साहब।